आज अंदर नहीं बुलाएगी पूर्वी? देने आई और इससे बड़ी खुशी तो कोई हो ही नहीं सकती। वो भी बच्चे चाहे कितनी भी गलती करे कि राय बाबा उन्हें माफ कर ही देते। सॉरी आई, मैंने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया। अब जो सजा मुझे देना चाहती हैं दे सकती हैं। कराने की कोशिश की, आपकी माफी के लायक नहीं हुआ। जानता हूं तो तेरा दिल बहुत बड़ा है तो माफ कर देगी, लेकिन मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता।
आए घर चल, घर नहीं आएगी ना मैं अपने को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं सच्चू, इसमें तेरी कोई गलती नहीं, तू तो जो कुछ भी कर रहा था सिर्फ अपनी आई के लिए कर, श्रावणी के लिए कर रहा था। तुझे ऐसा लगा कि तेरी आई के साथ गलत हुआ है इसलिए तो ये सब कर रहा था, है ना? और रही बात मेरी सच्चू, तो आज तूने मुझे आई कहकर बुलाया सच्चू, मुझे सब कुछ मिल गया सच्ची। तो मेरा सबसे बड़ा बेटा है ना, सबसे प्यारा बेटा, तुझे पता है तूने मुझे पहली बार एहसास कराया कि एक माँ क्या होती है। तूने मुझे पहली बार आई कह के बुलाया। हम दोनों का रिश्ता बहुत अलग है सच्चू, बहुत अलग। तो ऐसे कैसे मैं तुझे अपने आप से दूर जाने दे सकती। छह महीने पहले आया तुझे हमारे परिवार से अलग कर, आज आया हमारे परिवार का हिस्सा बना। घर चले घर चलना, और आज मैं अर्जुन की वजह से नहीं, मुझे तेरी जरूरत है आई, घर चल। अब मैं तुझसे एक दिन और दूर नहीं रह सकती। मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ सकती। 18 साल से मेरी आई पूर्वी इन लोगों के साथ रही हूं, जब मुझे जरूरत थी तब इन दोनों ने मेरा साथ दिया है, तो मैं आज इतनी स्वार्थी कैसे हो जाऊं? मैं नहीं आ सकती तुम लोगों के साथ, मुझे माफ करना। ये क्या कह रही है बेटा, अरे तू हमें छोड़कर थोड़ी जा, तू यहाँ रहेगा उस घर में, तू हमेशा हमारे साथ रहेगी बेटा। भाई मैं जानती हूँ, लेकिन अर्जुन 18 साल बाद तुझे तेरा परिवार मिल रहा है, तेरे बच्चे मिल रहे हैं, बच्चों को उनकी माँ मिल रही है, तेरे साथ रहना उनका हक है, तू उनको वो हक उनके हिस्से का प्यार नहीं देगी? नहीं। लेकिन जो पूर्वी ने किया उसका क्या? उसने मेरे लिए सब कुछ खो दिया, अपना प्यार, अपनी खुशियां, सब कुछ। आई जब ही मुझे इसकी जरूरत रही है ना, ये हमेशा मेरे साथ रही है, और आज इसे मेरी जरूरत है। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूं आई, मैं इसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी आई, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आई मेरी बात सुन, आई अन्याय तो तब होगा ना जब तू इन लोगों के साथ नहीं जाएगी। मैं आई तो मेरी आजी की बिल्कुल चिंता मत कर, मैं आजी का बहुत ध्यान रखूंगी, और अगर तू वहां खुश रहेगी ना आई, तो हम लोग यहाँ बहुत खुश रहेंगे। आई हमारे लिए अपने घर चले जा प्लीज। जीत गई, आज मुझे मेरा परिवार मिल गया, मेरे बच्चे मिल गए।
मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, सबसे खुशी का दिन। कल मैं पापा के मंदिर जाऊंगी और उनसे प्रार्थना करूंगी अर्चना के परिवार की खुशी के लिए। मानो अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है, सारी गलत फहमियां दूर हो चुकी है और आखिरी सच्चाई यह है कि अर्चना तुझसे कभी तलाक लेना ही नहीं चाहती थी। अब उसे पूरे हक से इस घर में लाओगे ना बेटा? हाँ बाबू, चाहता तो मैं भी यही हूं कि अर्चना वापस इस घर में आ जाए, लेकिन बाबा सुलोचना है कि सामने किस मुंह से जाओ, मैं कैसे विश्वास दिलाऊं उन्हें। बाबा मैं आई को ले आया। क्या हुआ जबा? अरे तुम्हारी आई इतने सालों बाद घर वापस आ चुकी है, घर की लक्ष्मी वापस आई है, उसका गृह प्रवेश नहीं कराओगे? जाओ आरती की थाली ले आओ। और क्या क्या करते हैं? कुछ अधूरा अधूरा नहीं लग रहा? वो आई भी बाहर खड़ी हुई है यार, काश कोई बताने वाला होता। सीरियसली? अरे डरती क्यों हो, ये आजूबा है ना, सब कुछ परफेक्ट करेगा। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे। अब तुम अंदर आ सकते हो। आसमान में जब आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू रहेगी, हम एक दूसरे के सदा सुहागन रहेंगे। नजदीकियां या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियान। ठंडी छाया देगा हरदम पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे
चाय बनाने वाली हूँ, पीने वाले? उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने अभी अभी तेजू को चाय बनाने के लिए बोला है। अरे वो बोला नहीं कड़क एकदम अदरक मार के। हाँ, हाँ, अभी लेके आते। वो भी वो तेरे फोटो के एल्बम है वो। दादा ये सारी फोटोज मुझे चाहिए, चलिए ना लैपटॉप में ट्रांसफर कर। चलो। कोशिशों के बाद मेरे घर में खुशियां आई है और तुझे लेकर मैं फिर से वो खुशियां बर्बाद करूं? मेरे जिंदा होते हुए तू मेरे घर में कभी पाँव नहीं रख सकती। देखा ना मेरे बच्चे मेरे साथ कैसे पेश आते, सबकी वजह तू है। नहीं आई, मैं वजह हो ही नहीं सकती। जो कुछ भी हो रहा है इसमें सिर्फ आपकी गलती है, आपको आपकी गलती का फल मिल रहा है। इतने सालों में आपने इतनी गलतियां की है कि मैंने कोई भी गलती नहीं की। जो भी किया है मेरे परिवार के लिए किया, मेरे बेटे के लिए किया है। अच्छा तो कहाँ है आपका बेटा है? और कहाँ है आपका परिवार और सब लोग आपसे नाराज क्यों हैं? अगर आप सही है तो पूरा परिवार आपके साथ होना चाहिए। आई एक बात तो है, आप जानती हैं कि आपने गलती की है, लेकिन पता नहीं कि आप इस बात को कब मानेंगी। लेकिन मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि मेरे परिवार को मेरी सच्चाई पता चली, मेरे बच्चों को मेरी सच्चाई पता चले और वही बच्चे मुझे इस घर में वापस लेकर आए। भाई जब से मैं यहां रहने आई थी ना, वो 6 महीने मेरे लिए बहुत तकलीफ वाले थे, मैंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन उसका फल मुझे आज मिला। और कहते हैं कि जिसका अंत भला सब भला।